जेएनयू बंद कर दो, फिर यहाँ पे सीसीडी खोल दो, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स खोल दो, बड़े बड़े मॉल्स खोल दो, अमीरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आए, गरीबों को बाहर निकाल दो, देश से निकाल दो, इसके अलावा ये क्या कह सकते हैं सर? भक्त लोग हैं, भक्ति करने का पैसा मिलता है इनको, करते हैं। कल बुरी तरीके से लोगों को दौड़ा के जहाँ जिसको जहाँ पाया वैसे मारा है बीवीपी ने, और हम जितने एक्टिविस्ट थे उनको टारगेट करके मार रहे थे। और मैं अपने रूम में पहले था, फिर बाहर निकला तो मुझे मारने की एक बार कोशिश की गई, लेकिन मैं वहाँ से भाग के दूसरे हॉस्टल साबरमती की तरफ गया, वहाँ भी मेरे पीछे लोग दौड़े और हम लोग सेकेंड फ्लोर पर गए। सेकेंड फ्लोर से फिर वहाँ से बालकनी में, दूसरे बालकनी में उतर गया, जिस रूम में मैं गया था वो रूम तोड़ दिया गया और हम लोग तब तक भाग के दूसरे रूम के बालकनी में पहुँच गए थे और वो दरवाज़ा बाहर से बंद था, इसलिए हम लोग वहाँ बच गए। इस महिला पुरुष प्रोफेसर्स किसी को भी नहीं देखा और किसी को भी नहीं छोड़ा एवीपी, और पुलिस वालों ने मिल के ये काम किया कल की पूरी ब्रुटलिटी। और मुझे क्यों मारना चाहते थे ये लोग? एक तो सरकार के ख़िलाफ़ मेरी आवाज़ हरदम से उठती रही है और मैं बोलता रहा हूँ, और दूसरा जिस तरह से ये नरेटिव सेट कर रहे हैं कि लेफ्टिस्टों ने स्टूडेंट्स को मारा, मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हूँ, मुझे मारते और ये कह देते कि लेफ्टिस्टों ने अपनी राजनीतिक गोटी सेट करने के लिए इसको भी मारा, और मेरा कोई भी आर्ग्यूमेंट माना इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकता, तो इसलिए ये टारगेट करके मुझे मारना चाह रहे थे कि मामले को इस तरह से घुमा के हमारे ही ऊपर थोप दिया जाए। तो सर आपको क्या मारने के लिए आए थे क्या सर? हाँ जी सर, मेरे रूम पे भी गए थे लोग मारने के लिए, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद करके पहले से ही बाहर था, और फिर मैं दूसरे जिस रूम में भागा था वो रूम तोड़ दिया गया, शीशा उशा सब तोड़ दिया है वहाँ का, लेकिन हम लोग उससे पहले ही दूसरे बालकनी में कूद गए थे इसलिए बच गए। अभी जैसे लोग बोल रहे हैं एबीपी वाले लोग ने किया है और बाहर एबीपी वाले कुछ अलग बता रहे हैं कि देखिए सर, उनके पास सरकार है, पुलिस है, सत्ता है, लोग हैं और मीडिया है, तो वो जो चाहें वो नैरेटिव चला सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल के मामले को घुमा देना चाहते हैं। और आज भी आप अगर फेसबुक पे मेरे पोस्ट पे कमेंट देखें तो उसमें गालियां लिखी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि तुम लोगों को लेफ्टिस्टों को तोड़ देना चाहिए, और इस तरह से एकदम नैरेटिव हेटरेट फैलाने की पूरी कोशिश चल रही है देश में। अभी मीनाक्षी लेखी जी आई थी, उन्होंने कुछ छात्राओं से बात की है और वो बोल रही है कि कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, तो आखिर कौन लोग हैं वो जो राजनीति चमका रहे हैं? देखिए मैम, दिल्ली का इलेक्शन है, कौन लोग होंगे जो झारखंड में हार गए, जिनको अपनी राजनीति चमकानी है और वो जैसे तैसे भी चमकाएंगे, मारपीट की राजनीति। एक बड़ा हास्यास्पद वाक्य आपको बताऊँ कि एक लड़के के रूम में ये लोग घुसे, उससे पूछा कि तुम लेफ्टिस्ट हो कि राइटिस्ट, तो बोला भैया मैं नहीं जानता कुछ भी हूँ, मैं नहीं इन सब के बारे में जानता, तो उन्होंने कहा प्रूफ दो। वहाँ पे एक बुक रखी थी हिंदू नेशनलिज्म, और वो हिंदू नेशनलिज्म थी कम्युनल, मतलब आरएसएस के खिलाफ लिखी गई थी, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, पेपर देखा, पर्चा देखा कि हिंदू नेशनलिज्म, उसको छोड़ दिया, नहीं मारा उसको। तो जो चला रहे हैं, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, और आज देखिए पहले फी हाइक का मुद्दा पूरे देश में आग की तरह फैल रहा था, उसको चेंज करने के लिए NRC आ गया, CAA आ गया, NPR आ गया, और वो चीज़ फिर से चेंज करने के लिए, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन है, JNU के ऊपर ख़तरा है कि अब JNU को फिर से एक बार देशद्रोही वाले पैराडाइम पर खड़ा किया जाए, ताकि यहाँ की सारी बातें डिलीजिटमाइज कर दी जाए, ये पहले से ही कोशिश चल रही है, जामिया में भी किया, अलीगढ़ में भी किया, और इसी सिलसिले में JNU पहले से ही टारगेट था और कर दिया। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अनुसार काम करती है, और कल जब JNU में ये हिंसा हुई तो उस समय दिल्ली पुलिस कहाँ थी? दिल्ली पुलिस स्टूडेंट जो हिंसा कर रहे थे उनके साथ थी, उनको डंडे भी दे रही थी, और बाद में दिल्ली पुलिस ने गेट से बिना, शायद इनको ऑर्डर नहीं था अंदर आने का, लेकिन ये एड ब्लॉक तक लाइन लगा कर गए हैं और वहाँ से फिर वापस घूम के भी आए। तो दिल्ली पुलिस एकदम से सरकार के अधीन काम कर रही है और गुलामी की तरह काम कर रही है, और किसी का स्टेटमेंट है कि जिस दिन दास को उसके दासत्व का एहसास दिला दिया जाए, जंजीर तोड़ देगा, और वही देश में होने वाला है। क्या लग? अच्छा सर, जो देश भर में स्टूडेंट देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इसको? सर देखिए, आज जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो स्टूडेंट ही एक ऐसा साधन है जो सरकार को, सत्ता को, उसके गलतियों का एहसास दिला सकता है।
इसलिए स्टूडेंट कम्युनिटी को चाहे जहाँ का स्टूडेंट हो, क्योंकि BHU में भी उतने सारे लड़कों को आपने 70 लोगों को जेल में रखा इतने दिनों तक, जामिया में भी इतने ब्रूटेलिटी से मारा लोगों को, आँख फोड़ दिया लड़कों का, एक लड़का ब्लाइंड हो गया है, अलीगढ़ में आग लगा दी हॉस्टल में उसकी, JNU में तोड़ फोड़ आके की, तो हर जगह के स्टूडेंट्स, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि स्टूडेंट ही अगर हरा सकता है तो हरा सकता है, क्योंकि पढ़ता लिखता है, तो आप अपने पढ़ने लिखने का ज़रा इस्तेमाल कीजिए और इस सरकार को बताइए कि विपक्ष नहीं है तो जनता विपक्ष है, क्योंकि उसने ही आपको बैठाया है और आप उसके प्रभाव से, उसके पावर से फासिस्ट नहीं हो सकते, आपको हटा दिया जाएगा। क्या लगता है कि कौन लोग होंगे, कुछ आपको किसी पे बिल्कुल स्पष्ट शक है या केवल ABP? स्पष्ट शक है क्या, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अब ये लोग जिस तरह से स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस तरह से कहते हैं, आज तक इस यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने सरकार में होते हुए भी यूनिवर्सिटी नहीं मान पाए, ये नक्सलियों का अड्डा कहते हैं। हम जैसे लोग सर यहाँ आके राजनीति करते हैं, अगर यहाँ आके मारपीट करेंगे तो हम जैसे लोगों के लिए राजनीतिक स्फीयर कहाँ बचेगा, हम कहाँ राजनीति करेंगे, कहाँ अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम जैसे लोगों को अपनी बात रखने का हक ही नहीं है इस फासिस्ट गवर्नमेंट में, इसलिए इस तरह के काम यहाँ पे होते हैं। अभी भी आप लोगों का आंदोलन चलेगा ये जो से? बिल्कुल चलेगा सर, अब तो एक पैसा नहीं देंगे, एक रुपया नहीं ज़्यादा देंगे, और ये हमारा हक है। पहले फ़ी हाइक का मुद्दा था, फिर NRC आ गया, क्योंकि मामले को मोल्ड करना ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है। आज यहाँ पर मारपीट करके जिस तरह से जामिया में इन्होंने किया, वही इनको JNU में करना था। यहाँ बजरंग दल के लोग आए थे, ABBP के लोग थे जो मारपीट अंदर कर रहे थे, हिंदू वाहिनी सेना के भी लोग रहे होंगे शायद, यही लोग आके पुलिस के प्रोटेक्शन में आके मार रहे थे, और ये नरेटिव, और मेरे को क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरा एक और एक्टिविस्ट सात्विक उसके रूम पे गए थे, उसका सब सामान वामान तोड़ दिया, वो नहीं मिला तो वहाँ से चले आए, और उसके रूममेट को नहीं मारा, क्योंकि वो सीधा सा लड़का था, उसको नहीं मारा। तो जिस तरह से ये टारगेट करके घूम घूम के मार रहे थे, उससे सीधी बात ये है। और दूसरा देखिए नरेटिव क्या चला रहे हैं, कि लेफ्टिस्टों ने कॉमन स्टूडेंट्स को मारा, इवन एक मीडिया वाले ने आयशी घोष को राइट का प्रेसिडेंट या राइट का कोई मेंबर कह के दिखा दिया है फोटो में कि ये देखिए इनको मारा। तो जो नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्टिस्टों ने मारा, और ये जानते हैं कि ये कर लेंगे, क्योंकि मीडिया इनके पास है, पुलिस इनके साथ है, सरकार इनके साथ है, और इनके बोल रहे JNU बंद कर दो, JNU बंद कर दो, ये सही मौका, क्या कहना आपको सर? JNU बंद कर दो, फिर यहाँ पे CCD खोल दो, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स खोल दो, बड़े बड़े मॉल्स खोल दो, अमीरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आए, गरीबों को बाहर निकाल दो, देश से निकाल दो, इसके अलावा ये क्या कह सकते हैं सर? भक्त लोग हैं, भक्ति करने का पैसा मिलता है इनको, करते हैं। जिन ये इनके ऊपर भी बड़ी दया आती है सर, रोज़गार नहीं है देश में, और इनको मारपीट करने के पैसे दिए जाते हैं, इसलिए इनको रोज़गार की ज़रूरत भी नहीं है, और मारपीट करने में तो जन्म से मज़ा आता है इनको, बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है, लाठी डंडा लेके, मतलब देखिए कि हाफ पैंट हमारे यहाँ का परिधान नहीं है, और हमारे यहाँ के बारे में लोग बोलते हैं कि हम देश की संस्कृति को बचा रहे हैं, और हिटलर के कपड़े पहन के घूमते हैं, घूमते थे, आजकल शायद फुल पेंट कर लिया है, कपड़े बढ़ गए इनके पास, पैसे आ गए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।